इंडियाज फर्स्टेस्ट ग्रोइंग स्कॉच विस्की बाय वॉल्यूम, जिसका मैं आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करूंगा। अब तक थंबनेल लिख के आप समझ गए होंगे कि मैं किसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। जी हाँ, ब्लैक डॉग, नॉट काला कुत्ता, ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग एक फाइनेस्ट विस्की में चुने जाते हैं और इंडिया में स्कॉच विस्की का मतलब ब्लैक डॉग ही है। ब्लैक डॉग का एक अलग रेपुटेशन है, एक सोफिस्टिकेसी है, एक अलग पहचान है। और ब्लैक डॉग का पॉपुलैरिटी सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, अवार्ड बोल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी सारे अवार्डों से नवाजा गया है। जैसे कि 2 स्टार फ्रॉम द इंटरनेशनल टेस्ट एंड क्वालिटी इंस्टीट्यूट से मिला है, सिल्वर इन द इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट कंपटीशन 2005 में जो हुआ था उसमें मिला था, एंड ब्रॉन्ज एट द इंटरनेशनल स्पिरिट चैलेंज में जीता था। तो काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो मैं और आप जो इतना प्यार करते हैं ब्लैक डॉग में, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये ट्रूली डिजर्व करता है। पीपल लव्स इट्स सॉफिस्ट मैच्योरिटी एरोमा फ्लेवर एवरीथिंग। ब्लैक डॉग का बात ही नहीं होगा, ब्लैक डॉग बिल्कुल हटके है, अलग है। और मेरे पास जो है वो है ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व। ध्यान करिए पूरे बॉटल में कि कहीं भी कोई एज स्टेटमेंट है नहीं, फिर भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं इसको अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा, साथ में पोर भी करूंगा और टेस्टिंग नोट के बारे में, ब्लेंड के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ब्लैक डॉग का। तो अनबॉक्सिंग का अगर बात करें तो ये रहा आपका ब्लैक डॉग व्हिस्की, और यहाँ पर लिखा है ट्रिपल गोल्ड रिजर्व, जो हम लोग आज इसी को अनबॉक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है ट्रिपल मैच्योर्ड, इसका मतलब क्या है मैं ये आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और ये जो है ये एक्चुअली ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। अगर पूरे बॉक्स को ध्यान करें तो कहीं भी आपको एज स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली ये कोई एज स्टेटमेंट नहीं है। यूजुअली हम लोग जो जानते हैं ब्लैक डॉग में जो 12 ईयर्स ओल्ड विस्की होता है, मगर इसमें कहीं भी वो 12 ईयर्स का नामो निशान नहीं है। तो और ये यहाँ पर लिखा है द थर्ड मैचुरेशन इन शेरी कास्क, तो मैं ये भी आपको समझाऊंगा। और अगर राइट हैंड की तरफ देखें कुछ नहीं है, और पीछे की तरफ देखें तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आपको ना ये जो हिस्ट्री है हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बुक काइंड ऑफ थिंग, अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। अच्छा, अभी प्राइसिंग का अगर बात करें तो ये है प्राइसिंग जो है 2450 रुपया, यानी 2450। और ये हम समझते हैं कि ये बेस्ट प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको एक सच में नाइस विस्की मिलने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग अनबॉक्स करते हैं इसको। पहले बॉक्स खोलते हैं यहाँ से, और ये रहा ब्लैक डॉग का जो बॉटल, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। और ये सो दिस इज द ब्लैक डॉग, इट्स अ फैंटास्टिक स्कॉच विस्की। और ये आपका बॉटल जो एक यूनिक डिज़ाइन है, जो ट्रेडिशनल ब्लैक डॉग का ही है, और इसमें काफ़ी वैरायटी है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वैरायटी है। तो हम लोग जो लाए हैं वह है ट्रिपल गोल्ड रिजर्व, और 75% प्रूफ है, और अल्कोहलिक वॉल्यूम जो है वह है 42.8। तो बस दोस्तों चलिए इसको फिर हम लोग खोलते हैं, मगर उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बॉक्स को दिखाने लायक तो और कुछ नहीं है, बॉक्स को हम लोग साइड कर देते हैं, मगर एक बात आपको बता देते हैं, ये जो आपको यहाँ पर एक कांटा जैसा दिख रहा है, इसी को रिलेट करते हुए एक स्टोरी है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं तब तक बॉक्स को पीछे रख दिया, और ये रहा मेरे पास बॉटल, तो मैं बॉटल को इस तरह साइड कर देता हूँ। वॉल्टर मिलर जो ब्लैक डॉग कंपनी का मालिक है, एक्चुअली वो फिशर थे, और फिश जब वो हंटिंग करते थे तो वो स्पेशल कांटा वो यूज़ करते थे, और वो कांटा को तब उसी 19th सेंचुरी की शुरुआत में उस कांटा का एक पॉपुलर नाम हुआ करता था, वह है ब्लैक डॉग, और उसी के नामकरण से ये व्हिस्की का नामकरण हुआ था। सो ये काला कुत्ता के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। तो अभी एक और एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जैसे कि इसमें लिखा रहता है कि ट्रिपल मैच्योर्ड। ट्रिपल मैच्योर्ड का मतलब क्या है, क्या होता है, जैसे कि कंपनी जब ये पर्टिकुलर ये व्हिस्की यानी ट्रिपल गोल्ड रिजर्व जब बनाता है, तब ये जो माल्टेड बार्ली है, माल्टेड बार्ली से बना हुआ व्हिस्की, उसको वो अलग मैच्योर करता है, और ग्रेन व्हिस्की को वो अलग मैच्योर करता है, और दोनों ही मैच्योर किया जाता है अमेरिकन चार्ड ओक बैरल में, बर्बन ट्रीटेड व्हिस्की बैरल्स, जो उसमें
तो उसको मैच्योर किया जाता है। अब जब मैच्योर कम्प्लीटली हो जाता है, जैसे कि अगर ये हम लोग यूजुअली इसको कंसिडर करते हैं 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ये इसमें जो लोएस्ट व्हिस्की है शायद ये 12 ईयर्स है, हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कोई एज स्टेटमेंट तो है नहीं। तो चलो जब वो मैच्योर्ड हो जाता है दोनों व्हिस्की, तब उन दोनों व्हिस्की को एक जगह ला के उसको ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंड करने के बाद फिर से उसको मैच्योरेशन में डाला जाता है। अब यहाँ पर यूज होता है ओलोरोसो सेरी वर्क्स। ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा किस्म का बैरल है, जो शेरी बैरल है उसमें उसको डाला जाता है और उसको फिर से मैच्योर करने के लिए छोड़ा जाता है सर्टेन टाइम में, जैसे कि 1.5 साल 2 साल या 1 साल, जैसे भी उन लोगों का क्राइटेरिया है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें जो व्हिस्की हम लोग को मिलता है तब एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर के साथ एक डेलिकेट फिनिश आपको देता है ये पर्टिकुलर व्हिस्की, तो ये इसीलिए इतना पॉपुलर है। और आगे का और भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि मैं बोलूँगा कि ये जो व्हिस्की है ये OSBI के अंडर में आता है। OSBI का मतलब है ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया, यानी ये व्हिस्की तो स्कॉच व्हिस्की है जो स्कॉटलैंड से आता है, मगर बैरल से आता है और अनडाइल्यूटेड, वो डाइल्यूटेड नहीं रहता है। यहाँ पर जब इंडिया में आता है तो USL यानी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो डियाजियो की कंपनी है, वो इसको पानी मिला के फिर उसको बॉटल करते हैं इंडिया में, इसलिए ये एक कैटेगरी में आता है जिसका नाम है OSBI ओवरसीज ब्रांड बॉटलिंग इन इंडिया। ये क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है अगर वो डायरेक्टली बॉटल की तरह से आता है इंडिया में तो ये 150% तक इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है, अगर ये बैरल के थ्रू आएगा तो इंडिया में तो इसमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी होता है वो 30% होता है ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने फायदेमंद है कोई भी कंपनी के लिए, मगर 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ब्लैक डॉग एक फाइनेस्ट व्हिस्की में चुने जाते हैं। और अगर ब्लेंड का बात करें तो ये ब्लैक डॉग में जो ब्लेंड है वो दोस्तों अराउंड 25 डिफरेंट व्हिस्की का ब्लेंड है इसमें, जहाँ पर मॉल्टेड व्हिस्की भी है, जहाँ पर ग्रेन व्हिस्की भी है। एक्चुअली ये जो व्हिस्की आप जब ब्लैक डॉग ट्रिपल गोल्ड रिजर्व पकड़ते हैं तो आप जान लीजिए कि इंटायर स्कॉटलैंड का व्हिस्की इसमें डाला हुआ है, जैसे कि स्पेसाइड है, आइले है, लोलैंड एंड हाईलैंड है, चारों रीजियन का जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक व्हिस्की है उसी को इसमें ब्लेंड करके ये फाइनेस्ट ब्लेंड आपके सामने तैयार करता है। और यहाँ पर एक खासियत है, कंज्यूमर रिसर्च की दौरान ये साबित हो चुका है कि इसका जो क्वालिटी है ये एज इट इज 12 ईयर्स ओल्ड व्हिस्की को ही कम्पीट करता है, कोई भी 12 ईयर्स व्हिस्की को कम्पीट करता है, तो ये एक फाइनेस्ट 12 ईयर्स ओल्ड व्हिस्की हम लोग पकड़ के चल सकते हैं, हालांकि एज स्टेटमेंट नहीं है। और ये ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व के अलावा भी चार और भी अलग कैटेगरी का व्हिस्की सेल करता है मार्केट में, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि द ब्लैक डॉग क्विंस्टेंस एज जो है वह है 21 ईयर्स, जो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, और सेकंड जो है वह है द ब्लैक डॉग रिजर्व एज 18 ईयर्स, ये रिजर्व कैटेगरी में आता है और 18 ईयर्स ओल्ड है। थर्ड जो आता है वो है ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व एज 12 ईयर्स, ये जो है ये एक्चुअली पहले डिलक्स स्कॉच व्हिस्की के नाम पे जाना जाता था, तो आज नाम बदल के द ब्लैक डॉग गोल्ड रिजर्व एज 12 ईयर्स हो चुका है। और जो है और एक है द ब्लैक डॉग ब्लैक रिजर्व, जो हम लोग ब्लैक के नाम पे जानते हैं, एंड द लेटेस्ट एंटर टू ज्वाइन द एलीट फैमिली ऑफ ब्लैक डॉग इज ट्रिपल गोल्ड रिजर्व, अ ट्रूली रिफाइंड व्हिस्की। तो चलिए पहले पोर करते हैं व्हिस्की को, और खोलने के बाद ये मैं आपको 60 ml पोर करके दिखाऊंगा। ये रहा 60 ml, और अब इसको थोड़ा सा उसको साइड कर देते हैं। अगर कलर की बात करें तो ये एक्चुअली अम्बर कलर है, आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं है, लाइट है, थोड़ा सा अम्बर कलर जैसा है, और यही है इसकी का कलर। तो फिर चलिए नोज़ की तरफ चलते हैं और नोज़ करते हैं व्हिस्की को और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नोज़ का अगर बात करें तो पहले जो अटेंशन मुझे मिला वो मिला शेरी और वेनिला स्वीटनेस का। ये व्हिस्की थोड़ा सा मीठा है, तो आपको अगर मीठा पसंद है तो आप ये बिल्कुल
जा सकते हैं, इसीलिए इतना पॉपुलर है ये ब्लैक डॉग। अब थोड़ा सा सिप करते हैं और देखते हैं कि पैलेट में इसका असर क्या होता है, क्या क्या फ्लेवर मिलता है। बिल्कुल अलग है पैलेट में, ये मुझे बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं लगा और नॉट ओवरपावरिंग नहीं लगा, बहुत स्मूथ लगा, थोड़ा सा स्मोकी लगा, जो ओक का जो फ्लेवर है वो मुझे लगा। पैलेट में मुझे शेरी और कैरामल का एक स्वीट नोट लगा और साथ में मैं बोलूँगा बिट ऑफ हनी और लिटिल बिट ऑफ स्पाइसी फ्लेवर जैसे पेपर का वो मुझे मिला। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे मिलेगा, इट्स डिपेंड नोज एंड नोज। मेरा नोज जो है, मुझे जो मिला वो मैं आपको शेयर किया। और अगर आफ्टर टेस्ट का बात करें तो बिल्कुल ही ये ड्राई नहीं है, बहुत ही फ्रूटी एंड स्वीट फ्लेवर के साथ ये जो फिनिश है ये कंप्लीट होता है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको ढूंढना ही होगा कि यहाँ पर जो फ्लेवर मिल रहा है वो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एंजॉयमेंट कैसे मिले। मैं तो रिकमेंड करूँगा ब्लैक डॉग है आपके पास, नथिंग इज रिक्वायर्ड। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द आएंगे कुछ नए अनबॉक्सिंग के साथ, और उससे पहले एक बार बोलना चाहूँगा, इफ़ यू वॉन्टेड टू कंडक्ट एनी शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग विथ मी, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आई कैन कम डाउन योर प्लेस एनी टाइम एनी वेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।